पहला जुमा था जहां अकीदतमंदों ने अपनी जुमे की नमाज अदा कर ली है। ऐसे में पूरी तरह से जुमे की नमाज संपन्न हो चुकी है, लेकिन सड़कों पर तमाम अधिकारी उतरे हुए हैं, कमिश्नर से लेकर एडीजी, एसएसपी, तमाम आईजी। अब मेरे पीछे देखेंगे, कैमरामैन से कहूंगा चारों तरफ को दिखाएं, यहां पर प्रशासनिक और शासनिक अमला मौजूद है। और चूंकि आज जुमा था, जुमे की नमाज को अदा कराना बहुत कठिन था और पूरा एक टास्क था जिसको पूरा कर लिया गया है। ऐसे में दिल्ली की हिंसा के बाद मेरठ का पहला जुमा, और उस मेरठ का पहला जुमा जहां बीती 20 दिसंबर को हिंसा हुई हो, जुमे के दिन हिंसा हुई हो, हालांकि अब जो नमाज थी वो पूरी तरह संपन्न हो चुकी है। ऐसे में पुलिस अधिकारियों का जो टास्क था वो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी संगीनों के साइन में जो जुमा हुआ है उसको लेकर तमाम सवाल बने हुए हैं। चूंकि दिल्ली में अभी शांति व्यवस्था कायम करने के लिए तमाम कोशिश की जा रही है, उससे सटे तमाम जिले लेकर हापुड़ से लेकर बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बागपत, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर शांति व्यवस्था कायम करना एडीजी प्रशांत कुमार की जिम्मेदारी है और उनकी कोशिश है। लेकिन अब वर्तमान की स्थिति अगर देखी जाए तो दिल्ली से लेकर तमाम जो दिल्ली सटे जिले हैं वहां शांति व्यवस्था कायम हो चुकी है और जुमे की नमाज को संपन्न करा लिया गया है। अपने सहयोगी सलमान के साथ मनोवर चौहान, R9 TV, मेरठ।